देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। बीडी शर्मा के नेतृत्व में हजारों की भीड़ ने किया सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत। प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही जन आशीर्वाद यात्रा मुरैना पहुंची। मुरैना प्रवेश पर बुधारा ग्राम में बीडी शर्मा के नेतृत्व में हजारों की भीड़ में सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर मुरैना सांसद अनूप मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, नारायण कुशवाहा उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के रथ ने जैसे मुरैना की सीमा बुधारा में प्रवेश किया तो हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसी क्रम में सीएम का रथ पोरसा कृषि उपज मंडी में पहुंचा, जहां पर कई हजारों लोगों ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब प्रदेश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। संबल योजना के तहत प्रदेश सरकार ने प्रत्येक गरीबों का हजारों लाखों रुपए का विद्युत बिल माफ कराया है। उन्होंने कहा कि हर गरीब को रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार के द्वारा भी की गई, जिससे प्रदेश में हर कोई गरीब नहीं रहेगा। पोरसा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रथ का धरा रानपुर, तिमरनी व बड़ा गाँव में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि पोरसा कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा की भी अगुवानी प्रताप सिंह तोमर के द्वारा की गई। श्री तोमर के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्षत्रियों की शान तलवार व एवं प्रतीक सिंह भेंट किया गया तथा विशाल पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। जमा करवा दो बिजली वालों के पास और उनसे कह दो हम मामा से पैसा ले लो, आपके बिल जमा होंगे मैं पैसे भरवा दूंगा, बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, सारी लाइटें जोड़ के पूरे मुरैना जिले को जगमग कर दिया जाएगा, कोई गांव शेष नहीं बचे। और भविष्य में जितनी जरूरी बिजली है, चार बल्ब, दो बल्ब का एक टीवी और एक कूलर के लिए जितनी बिजली बजेगी केवल 200 रुपया महीने में गरीब को दे दी जाएगी, ताकि बिजली के बिल, अरे 200 को दे देंगे, 200 को दे देंगे, ताकि बिजली के बिल दो गुना बन जाए। इसके साथ गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपए और जन्म देने के बाद 12,000 रुपए दिए जाएंगे। भगवान ना करे किसी परिवार में अगर उसमें मृत्यु हो गई तो 2,00,000 रुपए की सहायता और दुर्घटना के मृत्यु में 4,00,000 रुपए की सहायता और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की राशि देने का फैसला किया है। और इसी चीजें गरीबों को अगर हम देंगे तो बताओ गरीबी बचेगी क्या? अरे बचेगी क्या? गरीबी को हटाना है और बाकी कार्यक्रमों को भी सफल बनाना है, इसलिए आप सबसे मेरा और संगठन भाइयों अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पिछली बार विधानसभा में हम हार गए थे, इस बार आप सबका आशीर्वाद मिले और अम्बा पोरसा विधानसभा में भी आप भारतीय जनता पार्टी को जिताए, शिवराज को आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। यही निवेदन करता हूँ, बोलिए आपका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हम सब जुड़ेंगे और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर दोनों मुठ्ठी बांधकर और भारत माता की जय बोलकर भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।